जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो का मकसद जो है वो एरिए के दोस्तों को और दूसरे दोस्तों को बताना है कि जनाब कल टूर्नामेंट जो हम करवाते हैं वो कल उड़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जैसे कि दोस्तों को पता ही होगा 12 मई वाले दिन मौसम ख़राब की वजह से ना लाहौर के तमाम बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह बाजियाँ वगैरह सब वो 10 मई को उड़ा रहे हैं जुम्मे वाले दिन। तो दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों टूर्नामेंट के हवाले से बता रहा हूँ कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नया टूर्नामेंट मुतारफ़ कराना था, लेकिन उसमें वो कह लेंगे अब नहीं उड़ेगा वो, क्योंकि तमाम दोस्त जुम्मे को उड़ रहे हैं और जुम्मे वाले दिन मेरा अपना मानना है कि मैं जुम्मे वाले दिन ना कबूतरबाजी जो है ना अपनी ज़ाती मैं नहीं करता होता। उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे, तो मैं शुरू में जब करता था जुम्मे वाले दिन जब भी कबूतर निकाले मेरे कबूतर ज़ाया हो जाते होते थे, और जहन में एक ऐसी चीज़ बैठी मैं फिर जुम्मे वाले दिन ना कबूतर निकालता ही नहीं था। अगर नए बच्चे छोड़ने तो वो ना आने वापस, पाँच पाँच सात सात ना आने, ठीक है। अगर कबूतर उड़ाने तो कबूतर मिस हो जाने, तो मैं जुम्मे वाले दिन अगर बांध के गेड़ने तो वो कबूतर आगे पीछे हो जाना, वो बड़ा मसला बनना। तो मैंने जुम्मे वाले दिन कबूतरबाजी करना ही छोड़ दी, बिल्कुल भी नहीं निकाले। बांध के भी मैं हफ्ते वाले दिन फेरता होता था तो इतवार को फिर बाजी में डाल लेते थे। तो दोस्तों हर बंदे का अपना जहन है, वैसे ऐसा इशू कोई नहीं है। छुट्टी भी अल्लाह का शुक्र है मिल जाती है। कल छुट्टी लेके आपको दूसरी छत से शो करवाएँगे, अपने इलाके का शो दिखाएँगे। जो भाई दोस्त शो कर रहे हैं जिनकी बाजियाँ लगी हैं दोस्तों, उन्होंने तो निभानी है, तो उनका शौक आपको दिखाऊंगा। बाकी हमारे टूर्नामेंट नहीं उड़ेंगे 10 मई को। 12 मई को एक टूर्नामेंट उड़ेगा, वो भी दोस्तों की फरमाइश थी। तीन चार दोस्तों ने फ़ोन किया कि यार आप 12 मई को ही रखो, तो मौसम की कोई टेंशन नहीं है, अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो फिर उसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारा इंशाल्लाह तीन वाला जो कप है ना वो 12 मई को ही उड़ेगा, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते मौसम सही रहा तो इंशाल्लाह वो उड़ेगा। हम आखिरी टाइम तक वेट करेंगे, मतलब सुबह अगर 5:30 का पल्ला तो अगर मौसम ख़राब होता है 6:30 तक 7 बजे तक वेट करेंगे, अगर मौसम नहीं सही होता तो फिर उसको कैंसिल कर देंगे और तमाम दोस्तों की एंट्री हम वापस कर देंगे, ठीक है जी। मेन मकसद हमारा भी दोस्तों के परिंदे ज़ाया करवाना नहीं है, लेकिन मकसद यही था दोस्तों का शौक करवाना, तो दोस्तों ने इसरार किया इस वजह से रखा, वरना मेरा मूड यही था कि ख़त्म कर दें कैंसिल कर दें सारे, फिर इंशाल्लाह आंसू में देखेंगे। लेकिन दोस्तों भाइयों के इसरार पर तीन वाला सिर्फ इतवार को उड़ा रहे हैं, क्योंकि एरिए के काफ़ी दोस्त फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि यार आप कल उड़ा रहे हो या नहीं उड़ा रहे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि तमाम दोस्त देख लेंगे, तो फिर ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी उनकी भी। क्योंकि दोस्तों एरिए के शौक में ना चलता है कि रात 12 बजे तक भी लोग एंट्रियाँ लिखवाते हैं, मतलब अगर इतवार को उड़ने तो हफ्ते की रात 11-12 बजे तक, जैसे गुज़िश्ता दिनों होता रहा है, तो ये चलता है ऐसा सिस्टम। क्योंकि एरिए के शौक में सारा कुछ हमने देखना पड़ रहा है, मुनसिबी कौन सी ज़्यादा दूर होती है, वो बंदा सुबह भी मुनसिब 15-20 मिनट पहले चला जाए तो मुनसिब छोड़ आता है। तो यही मेन मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का। बाकी वर्किंग डे के अंदर बड़ा मुश्किल है आज के दौर के अंदर कबूतरबाजी करना, क्योंकि हर बंदा नहीं कर सकता दोस्तों, मुनसफ नहीं मिलता, और पहली बात है कि हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि यार वो वर्किंग डे के अंदर अपना सारे काम काज छोड़ के तो वो कबूतरबाजी करे। और जुम्मे वाले दिन मेरा मानना है कि मैं जो है ना जुम्मे वाले दिन कबूतरबाजी नहीं करता, बाकी दिनों में चलता है। जुम्मे वाले दिन सुकून माहौल, जुम्मा पढ़ो, बाकी अपने घर के काम शाम करो, दाना छाना डालो परिंदों को, तो सुकून माहौल करो। आगे इंशाल्लाह कभी घर से शौक किया तो जुम्मे वाले दिन आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं शौक नहीं करता जुम्मे वाले दिन। तो बस अपने अपने जहन की बात है दोस्तों। और एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी, मैं थोड़ा सा ना डीपली सोचता हूँ, बाकी दोस्तों का हो सकता है वो भी सोचते हों, लेकिन मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था एट दी एंड जो है ना आखिर ये शौक है तो गलत ही, हम बेशक हम भी कर रहे हैं काम, ये गलत ही है, कोई स्वाब का काम नहीं है परिंदे उड़ाना या उड़वाना। तो ये शौक है तो शौक चला रहे हैं, जैसे एक गेम है तो गेम को करवा रहे हैं और कर रहे हैं। मेन मेरे जहन में जो एक चीज़ ये आई कि यार अगर जुम्मे वाले दिन मेरे टूर्नामेंट की वजह से कोई भाई जुम्मा छोड़ देता है, जुम्मे की नमाज़ छोड़ता है, दूसरे दिनों में तो दोस्तों वो उनकी स्वाबदीत आ जाती है, लेकिन स्पेशली जुम्मे का दिन ना
तमाम दिनों में अफजल तरीन दिन है मुसलमानों के लिए, तो जुम्मे वाले दिन अगर जुम्मा नहीं कोई मेरी वजह से पड़ेगा कि टूर्नामेंट मेरे में हिस्सा लिया हुआ है, तो मेरे जहन में ये बात खटकी है कि यार वो सारा क्रेडिट मुझे जाएगा, तो ये भी एक चीज़ है। बाकी जो सबसे पहली चीज़ वो यही है कि जुम्मे वाले दिन मैं जनाब ज़ाती अपनी कबूतरबाजी कोई नहीं करता, ठीक है। इंशाल्लाह दोस्तों भाइयों को शौक़ ज़रूर दिखाऊंगा कल जितना भी हो सका, तो छुट्टी की कोई टेंशन नहीं है, छुट्टी मुझे मिल जाती है, छुट्टी इंशाल्लाह कल भी लेंगे, लेकिन ईजी रहेंगे। सुबह किसी शख्स से पल्ला दिखाएंगे, उसके बाद जनाब जुम्मे का वक्फा बीच में करेंगे, और उसके बाद शाम को आपको फिर दो तीन वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कल। तो यही अपडेट थी, बाकी तमाम दोस्त जो कल उड़ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ़ से, अल्लाह पाक खैर करे उनके परिंदे अच्छे उड़ें। बाकी जो भाई 12 मई में उड़ेंगे वो इंशाल्लाह रابطہ कर सकते हैं, उसकी एंट्री 2000 आ रही है जैसे पहले उड़ता आ रहा 3 वाला, तो जितनी एंट्रियाँ होंगी उसके हिसाब से वो इनामात वगैरह का ऐलान करेंगे, लेकिन उसका वेट करेंगे इंशाल्लाह मौसम का ना। सुबह अगर उड़ गया कब तो फिर इंशाल्लाह शुगल मुगल आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर ज़रा ठंड प्रोग्राम ही होगा, तो जो बाहर बैठे दोस्त हैं उनके लिए अभी कह लें कि 50-50 या इतवार को आपको शौक मिलता है या नहीं, लेकिन कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपको शौक दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो मुकम्मल हो चुकी है मेरी, तो इजाज़त चाहूँगा। बाकी जिन दोस्तों भाइयों ने मज़ीद नाम लिखे थे वो इंशाल्लाह, मैंने अभी निकलना है जॉब के लिए तो वीडियो लंबी हो रही है, कल या परसों वाली वीडियो में ना उनके नाम लेके इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो भाईजान आपसे माजरत है, अभी नहीं मैं ले सका नाम क्योंकि जहन में मेरे आ नहीं रहे, कोई मिस हो जाएगा तो फिर वो भाई गिला करेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह फिर वीडियो में बनाऊँगा। तो जो भाई चैनल पर नए हैं लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।